सो देखो क्वेश्चन इज फाइंड फोरियर सीरीज एक्सपांशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इन माइनस पाई टू प्लस पाई. सो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वो उसका केस कौन सा है. माइनस पाई टू प्लस पाई मतलब है केस टू हो गया. तो केस टू जैसे ही आता है माइनस पाई टू प्लस पाई तो आप लोग सबसे पहले चेक करते हो ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है. अगर एक क्वेश्चन ऐसा दिया होता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स तो आप लोग ऐसा करते एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते ना आप लोग, तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा और ये एक्स आपको ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स मिला और ये माइनस एज इट इज है. एक्स की जगह पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया तो एक्स भी माइनस एक्स होगा एंड ये एक्स की जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स रिप्लेस कर दूंगा बचा माइनस. अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो वो गया ऑड फंक्शन. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं दिया विद मॉड दिया है मॉड, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा. क्या होगा देखते हैं अभी. पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्योंकि मुझे चेक करना है फंक्शन इज इवन और ऑड. तो यहां पे मैं फंक्शन ऑफ एक्स के जगह पे माइनस एक्स लिखता हूं एंड मॉड में एक्स के जगह पे माइनस एक्स लिखता हूं. लेकिन मॉड का रूल पता है क्या आपको. इन अ मॉड अगर कोई भी टर्म नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव टर्म ही लेते हैं. अगर मॉड में रहेगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं. इट मींस इट इज अ प्लस एक्स होगा प्लस एक्स एंड यही हो गया आपका ओरिजिनल इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स ये एफ ऑफ एक्स था तो आपको मिला ये एफ ऑफ एक्स जो कि ओरिजिनल इक्वेशन मिल गया विद अ पॉजिटिव सिंबल. ये हो गया इवन फंक्शन. अगर यही अगर विद अ मॉड होता तो ये ऑड फंक्शन होता लेकिन मॉड है इसलिए वो इवन फंक्शन रहेगा क्योंकि आपको ओरिजिनल इक्वेशन मिलेगा. क्यों मिल रहा है क्योंकि वो नेगेटिव टर्म होता ही नहीं इसमें. नेगेटिव हम लोग पॉजिटिव कर देते. क्लियर है. तो अगर इवन फंक्शन रहेगा तो इसमें किसका वैल्यू जीरो होता है तो बी एन इज जीरो. सो आपको कैलकुलेट करना है ए जीरो एंड ए एन. लेकिन इसमें ठीक से देखो अभी ये मॉड को आपको एग्जैक्टली कैसे लिखना है. ये एफ ऑफ एक्स जो होता है इसको आप दो इक्वेशन में लिखोगे माइनस एक्स एंड प्लस एक्स एंड यहां पे लिमिट्स होगा माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो, जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई. अभी आप बोलोगे ऐसा कैसा, ये क्यों लिया मैंने. देखो कैसा होता है लिमिट्स क्या है माइनस पाई टू प्लस पाई. अगर मैंने क्या किया एक्स एक्सिस लिया और ये वाई एक्सिस सपोज ये जीरो है लेफ्ट साइड पे आ गया तो क्या होगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस पाई होगा. राइट साइड पे वन टू थ्री प्लस पाई होगा. तो अगर आप ठीक से देखोगे तो यहां पे एक्स माइनस रहेगा तो माइनस सिंबल पुट अप किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें ये नेगेटिव लाइन है ना इसमें नेगेटिव पॉइंट्स होता है इसलिए माइनस एक्स यहां पे होगा और यहां पे प्लस एक्स आएगा. क्लियर है. ओके देखा जाए तो एक्चुअली कैसा होता है ये माइनस वैल्यू लिमिट पुट अप किया तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा. तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव पोर्शन के लिए माइनस एक्स लिया पॉजिटिव पोर्शन के लिए प्लस एक्स लिया. तो इसलिए लिमिट देखो माइनस एक्स किसके लिए माइनस पाई टू जीरो के लिए माइनस पाई टू जीरो एंड पॉजिटिव एक्स के लिए जीरो टू पाई के लिए आपको उसको दोनों में सेपरेट करना पड़ेगा. क्लियर है. ओके देन अभी हम लोग क्या करते हैं इसको अभी सॉल्व करना है इसके हिसाब से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे ए जीरो फॉर्मूला ऑफ ए जीरो. ठीक है. सो ए जीरो का फॉर्मूला क्या होता है टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो इसमें आप लोग क्या करोगे ए जीरो इज इक्वल टू टू अपॉन पाई देन जीरो टू पाई के लिए अगर आप जीरो टू पाई लोगे तो जीरो टू पाई के लिए कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट करोगे दोनों में से माइनस एक्स सेलेक्ट करोगे प्लस एक्स सेलेक्ट करोगे. तो जीरो टू पाई के लिए होगा प्लस एक्स और प्लस एक्स का पावर वन होता है तो उसका इंटीग्रेशन होगा एक्स रेस टू पावर इंक्रीज करो टू बाई टू लिमिट जीरो टू पाई. अब इसमें क्या होगा एग्जैक्टली देखो ये टू डिवाइड बाई टू कैंसिल कर देता हूं पहले बाद में भी कर सकते हो पहले भी कर सकते हो एंड अगर मैंने इसमें लिमिट्स पुट अप किया तो वन अपॉन पाई आउटसाइड
अगर आपने पाई पुटअप किया तो पाई स्क्वायर माइनस जीरो पुट किया तो जीरो, बराबर है, बराबर ना। पाई पुटअप किया तो पाई स्क्वायर और ये टू तो कैंसिल हो गया, माइनस जीरो पुट किया तो जीरो। पाई पाई गेट कैंसल तो बचेगा, पाई पाई गेट कैंसिल तो बचेगा सिर्फ पाई, ए जीरो का वैल्यू मिल गया आपको पाई, क्लियर है। सो बहुत जन क्या करते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते, इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर और कोई इक्वेशन रहेगा मॉड में, अगर और कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आपको एक कंसिडरेशन लेना ही पड़ेगा, उसमें आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए जानबूझ के मैंने इसको भी आपको कंसिडर करके बताया, क्लियर है। तो ये हो गया माइनस एक्स, एक्स सेपरेट हो गया क्योंकि नेगेटिव जीरो टू माइनस फाइव, माइनस फाइव टू जीरो में नेगेटिव एक्स आएगा, जीरो टू प्लस फाइव पॉजिटिव एक्स आएगा, तो उसके हिसाब से मैंने जीरो टू पाई के लिए एक्स सेलेक्ट किया एज एफ ऑफ एक्स और उसको सॉल्व किया। वैसे ही अभी आप लोग क्या करोगे, एन निकालोगे, क्योंकि आपको bn तो जीरो फाइंड, bn तो जीरो होगा, सिर्फ an निकालना। दैट an इज इक्वल टू टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, मैं आगे लिखता हूं अभी इसको, इज इक्वल टू टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन जीरो टू पाई के लिए, जीरो टू पाई के लिए होता है एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। अभी आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए u इंटू वी रूल अप्लाई करना आपको। तो एज पर द u इंटू वी रूल एन इज इक्वल टू टू अपॉन पाई एज इट इज, एक्स इज अ u, लेट रूल के हिसाब से अल्जेब्रिक पहले आता है ट्रिगो बाद में आता है, तो अल्जेब्रिक इज अ x, तो u हो गया, ये v हो गया, तो u एज इट इज मीन्स x एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस एक्स का डेरिवेटिव करो वन आएगा एंड साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, पहले से एन था तो एन स्क्वायर हो गया, वन का डेरिवेटिव जीरो होता है तो जीरो पे हम लोग स्टॉप करते हैं और यहां पे लिमिट से आएगा जीरो टू पाई, जीरो टू पाई। देन अभी लिमिट्स पुट अप करेंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो 2 अपॉन पाई पहले अपर लिमिट पुट अप करते हैं, लेकिन इसमें आपको पता है अगर मैंने पाई पुट अप किया यहां पे तो साइन एन पाई होता है 0, 0 पुट किया तो साइन 0 होता है 0, तो दोनों टर्म हो जाएगा 0, जब भी मैं पाई पुट करूंगा तो भी 0 होगा, 0 पुट करूंगा तो भी 0 होगा, तो कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, 0 हो रहा है तो। नेक्स्ट अभी यहां से स्टार्ट करते, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1 इंटू कॉस एन पाई, एक्स का वैल्यू पाई अपॉन एन स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस माइनस प्लस लिया मैंने कॉस एन एक्स का वैल्यू पाई अपॉन एन स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे, पहले माइनस माइनस प्लस वन इंटू कॉस एक्स का वैल्यू जीरो अपॉन एन स्क्वायर, ओके, एंड देन इसका वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू टू अपॉन पाई, अभी दोनों का ब्रैकेट डिवाइड देखो सेम है तो कॉमन एन स्क्वायर ले लेता हूं, ये वन नहीं लिखा तो भी चलेगा, कॉस एन पाई का वैल्यू होता है माइनस वन रेस टू एन माइनस कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन, सो ये हो गया ए एन, क्लियर है। अभी आपको फोरियर सीरीज लिखना था, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो बाय टू प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, लेकिन इसमें अगर ये इवन फंक्शन है तो बी एन डायरेक्टली जीरो होता है, तो डायरेक्ट उसको जीरो लिख देता हूं मैं, कट, तो रिमेनिंग जो है उसमें आप लोग पुटअप करेंगे, लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे प्लस एक्स लिखेंगे पता नहीं, तो मैं एफ ऑफ एक्स से लिख देता हूं इसको, सिर्फ इज इक्वल टू ए जीरो का वैल्यू आपको क्या मिला था यहां पे पाई, सो पाई बाय टू हो जाएगा, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन का वैल्यू मिला था आपको टू अपॉन पाई ब्रैकेट माइनस वन रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स, और ये तो जीरो है, तो ये हो गया आपका फोरियर सीरीज, क्लियर है, ओके। इसके बाद डिड्यूस भी आया था, लेकिन पहले इतना करो देन डिड्यूस कर लेते हैं। सो आपको डिड्यूस पूछा है यहाँ पे, डिड्यूस दैट पाई स्क्वायर बाय एट इज इक्वल टू वन अपॉन वन स्क्वायर
प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। आपको फोरियर सीरीज कहां तक मिला है, देखो ये फोरियर सीरीज का फाइनल आंसर है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी टू बाई पाई, जो भी इक्वेशन मिला। इसे हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू जीरो पाई पाई बाई टू पुट अप करते हैं, राइट है। इसमें से कौन सा सिलेक्ट करोगे, उसके पहले एफ ऑफ एक्स क्या लिखोगे आप लोग, आपके पास एफ ऑफ एक्स एज अ मॉड ऑफ एक्स लिखोगे, मॉड ऑफ एक्स लिखोगे, माइनस एक्स लिखोगे या प्लस एक्स लिखोगे, तो कभी भी ध्यान में रखो ऐसा डबल इक्वेशन रहेगा आपके पास। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, ये जो भी इक्वेशन है इसका एवरेज निकालते हैं आप लोग, क्या करते हैं उसका एवरेज, मतलब हियर लिमिट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स एक्स टेंड्स टू प्लस लिमिट्स एक्स टेंड्स टू डिवाइड बाई टू। अभी आप बोलोगे एक्स टेंड्स टू क्या लेना है, तो आपका लिमिट्स कहां पे स्टार्ट हो रहा है, माइनस पाई टू जीरो, जीरो टू पाई, तो ये इंटरमीडिएट जो है, और इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू लिमिट्स। डिसकंटिन्यू मतलब यहां पे माइनस पाई से स्टार्ट किया, जीरो पे डिसकंटिन्यू हो गया, जीरो टू पाई मतलब वहां पे ब्रेक हो गया ना वो, तो ये जो जीरो है उसको लेना है, लिमिट्स एक्सटेंड्स टू जीरो, एक्सटेंड्स टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन यहां पर लेना है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स है, सेकेंड इक्वेशन यहां पर लेना है प्लस एक्स है, क्लियर है। सो इसमें आपको x का वैल्यू जीरो पुट करना, अगर मैंने x जीरो पुट किया तो ये जीरो होगा मतलब माइनस जीरो होगा, प्लस यहां पे x टेंड्स टू जीरो पुट किया जीरो होगा अपॉन टू, तो आपको क्या मिलेगा फाइनल आंसर, जीरो ही मिलेगा एट x इज इक्वल टू जीरो के लिए, एट x इज इक्वल टू जीरो। तो आपको ये हिंट भी मिल गया, आपको x का वैल्यू पुट करना है जीरो, सो पुट x इज इक्वल टू जीरो, ओके फॉर दिस रिड्यूस ओके। तो किसमें, इन इक्वेशन वन, ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको ये, इसमें तो अगर मैंने इसमें जीरो पुट किया तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एक्स जीरो तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो है, इज इक्वल टू, अगर यहां पे टू मिला तो टू लिखना है, थ्री मिला तो थ्री लिखना है, जो भी वैल्यू मिलता है, पाई मिला तो पाई लिखना है आपको, जीरो इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी 2 by pi bracket minus 1 raised to n minus 1 upon n square cos 0, x का वैल्यू 0, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो वहां पे हम लोग 1 रिप्लेस करने वाले। अभी देखो डिड्यूस में पाई का टर्म लेफ्ट साइड चाहिए, तो ये पाई बाई टू को हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो पॉजिटिव पाई बाई टू शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव पाई बाई टू होगा। इसमें कॉन्स्टेंट जो उसको बाहर निकालेंगे, दैट इज 2 by pi इन मल्टीप्लाई में यहां पर आएगा 2 by pi summation of n is equal to 1 to infinity bracket minus 1 raised to n minus 1 upon n square cos 0 का वैल्यू होता है 1, नहीं लिखा तो भी चलेगा। देन ये 2 into में और pi divide में shift करोगे तो क्या होगा, pi जाएगा into में और 2 जाएगा divide में, एन में अभी इसका एक्सपांशन करता हूं, एन का वैल्यू मैं 1, 2, 3, 4, 5 तक पुट अप कर लेता हूं। सो सबसे पहले इसमें पुट करते हो, समेशन सिंबल निकाल दो, माइनस 1 रेस टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, यहां पे एन था तो 1 लिखा, यहां पे एन के जगह पे 1 लिखा, प्लस अभी 2 लिखो वहां पे, माइनस 1 रेस टू 2 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, अभी 3 पुट अप करो, माइनस 1 रेस टू 3 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 4 पुट अप कर दे, माइनस 1 रेस टू 4 माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, एंड लास्ट 5 पुट अप कर दे, आपको चाहिए तो 5 तक करो 6 तक करो, माइनस 1 रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही कंटिन्यू चल जाएगा इन्फिनिटी तक, हम लोग को कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेना है। अभी देखते हैं इसमें क्या हो गया, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, ये माइनस है, माइनस 1 रेस टू 1 होता है माइनस 1, और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 1 स्क्वायर, माइनस 1 रेस टू 2 होता है प्लस 1, होता है प्लस 1, और ये आगे का माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 0। देखो चेक करो यहां पे रिड्यूस में 2 का जरूरत है ही नहीं ना, मतलब 2 का टर्म 0 होगा, 4 का टर्म 0 होगा, प्लस माइनस 1 रेस टू 3 होता है माइनस 1 और ये माइनस 1, टोटल कितना होगा माइनस 2 अपॉन 3 स्क्वायर, 4 का टर्म अगर लोगे तो माइनस 1 रेशो 4 होता है प्लस 1,
प्लस वन माइनस वन जीरो एंड लास्ट माइनस वन रेस टू फाइव होता है माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू अपॉन फाइव स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। सो आपको क्या चाहिए, देखो पाई स्क्वायर बाय एट चाहिए और यहां पे सब जगह पे वन चाहिए, तो यहां पे वन करने के लिए मैं कॉमन ले रहा हूं माइनस टू, तो ब्रैकेट में बचेगा वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव स्क्वायर डॉट 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 और यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर है। ये माइनस टू अगर आप शिफ्ट करोगे यहाँ पे इंटू में डिवाइड में आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल होगा और टू इंटू फोर एट हो जाएगा, दैट इज पाई स्क्वायर बाय एट, वन अपॉन वन स्क्वायर वन अपॉन थ्री स्क्वायर वन अपॉन फाइव स्क्वायर हेंस डिड्यूस्ड। क्लियर है, ये हो गया उसका डिड्यूस कंप्लीट।